जब इस तरह की आपको कोई कोडिंग करनी हो, कैसे करेंगे? ये हमारे इवेंट के थ्रू होता है, यानी कि जैसे ही आप कुछ करें, क्या क्या करें या क्या क्या हो सकता है, उस पे हमारी कोई कोडिंग ट्रिगर कर जाए। इस पे मैंने जो कोडिंग की है, ये जो भी कोडिंग होती है हमारी, इनके ऊपर होती है, शीट पे होती है, वर्कबुक पे होती है, मॉड्यूल के ऊपर नहीं होती है। जब आप शीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्कशीट का फंक्शन आएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिवेट, बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, प्री एक्टिवेट, चेंज करके आएगा। तो जिसको भी आप क्लिक करेंगे, सपोज एक्टिवेट का आता है आपके पास वर्कशीट एक्टिवेट, तो आपके पास ऐसा प्रोसीजर बन के आ जाएगा। आप इसके बीच में कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिवेट हो, मैसेज बॉक्स दिखा दे, यू आर एक्टिवेटेड, ठीक है जी। अब ये पहले से ही एक्टिवेट है, दोबारा से शीट वन पे डालते हैं, आ गया यू आर एक्टिवेटेड, ठीक है। यानी कि जब आप इस पे आए तो क्या होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे कोडिंग कर दी, इसको हटा देते हैं। इसी तरह से मैंने जो कोडिंग की वो की वर्कशीट चेंज पे। वर्कशीट चेंज का मतलब है कि आपने जो भी कुछ भी लिखा है इसके ऊपर, जो भी कुछ पहले से है इसके अंदर, उसमें से यदि कुछ चेंज होता है तो इसे क्या करना है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ और ये डेट और टाइम डाल दे रहा है, यानी कि ये सेल जो खाली थी पहले, अब यहाँ कुछ चेंज हो गया ना, तो वो चल जाना है। चेंज हुआ तो इसके लिए मैंने डेट और टाइम डालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर किया है, देखिए। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल लिया है आर, वेरिएंट के, वेरिएंट में कोई भी हम डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकता था, मैं कुछ भी ले सकता हूँ वेरिएंट पे, इंटीजर स्ट्रिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। दो और वेरिएबल लिए हैं, डीटी डेट के लिए, टीएम स्ट्रिंग में ले रखे हैं, पर डीटी डेट के लिए लिया है, टीएम टाइम के लिए लिया है, पर ये स्ट्रिंग में लिया है मैंने टेक्स्ट के लिए। तो डीटी में मैंने क्या एंटर कराया है, मैं फॉर्मेट का फॉर्मूला है जिसके अंदर डेट अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये डेट क्या है कि एक फंक्शन है जो कि करंट डेट रिटर्न करता है। अब जो करंट डेट रिटर्न कर रहा है जिसको मैंने इस फॉर्मेट में लिया है, TDMMYYY, इसके अंदर ले लिया। इसी तरह से नाउ से मैंने क्या किया है, टाइम लिया है और टाइम को इस फॉर्मेट में एंटर कराया, इसके अंदर डाला। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट एक कोड है, जब भी आपके कोड में कहीं कोई एरर आती है तो आप उसके लिए डाल देते हैं कि आप और एरर को इग्नोर करें और आगे चल जाए। अब इसमें मैंने क्या किया है, आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट कॉलम, मैंने पता लगाया है कि एक्टिव सेल का कॉलम कौन सा है। एक्टिव सेल का कॉलम किस लिए पता लगाया है, कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करके आगे बढ़ गया, आगे बढ़ूंगा या तो इसी पे ही रहूंगा या तो नीचे आ जाऊंगा। तो जैसे ही मैं करके एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आ जाता है, यानी कि तो उस केस में क्या होता है कि मेरी एक्टिव सेल जो है वो ये वाली रही जो नीचे जहां पे आ गया ये। अब इसमें कॉलम लिया तो कॉलम फर्स्ट ये ए है, इसने वन रिटर्न किया, और यही मैंने चेक कराया कि अगर आर इक्वल टू वन है एंड एक्टिव सेल ऑफसेट ऑफसेट एक्टिव सेल से ऑफसेट लिया मैंने, ये हमारा
माइनस वन लिया, माइनस वन किस लिए गया, माइनस वन यानी कि उसके ऊपर वाली जो रो और कॉलम है, ऊपर वाला जो रो कॉलम है उसकी जो रो है वो एक नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। यहां मुझे कोई चेंज नहीं करवाना, क्योंकि मान लीजिए मैं यहां हूं, यहां नेम लिख के नीचे आता हूं, तो यहां ना चेंज हो जाए, क्योंकि मैं क्या करवाना हूं, जैसे ही नीचे आता है तो इसके बेस पे यहां पे चेंज करवा देता हूं। तो यहां पे मैंने जो ऑफसेट का फंक्शन लगाया है वो बस अपने ऊपर वाली रो को देख रहा है कि क्या वो नॉट इक्वल टू वन है। मतलब दो कंडीशन, पहली चीज तो कॉलम हमारा वन होना चाहिए, दूसरा रो जो है फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, ऑफसेट में एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट माइनस वन, यानी एक ऊपर गया। अब जब यहां से लिख के यहां पे आया तो ये एक ऊपर गया, फिर एक इधर चला गया, यानी एक इधर चला गया, और उसकी जो वैल्यू है वो डीटी से उठा ली, यहाँ फॉर्मेटेड डेट थी, और ऐसे ही जो सेकंड मतलब कि ये वो टाइम से उठा ली, ठीक है जी। तो ये हो गया इसमें काम। उसके बाद एंड इफ कर दिया, ये एंड कर दिया मैंने, बस काम खत्म, ठीक है जी। पर ये जितने भी फंक्शन होते हैं इनको तो बड़ा केयर करने की जरूरत होती है। ये वैल्यू हम कहीं और भी डालेंगे तो भी वहीं पे लेगा या कहीं और लेगा? आप वैल्यू जो है ऑफसेट के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं ना, ऑफसेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आप ऑफसेट डी कॉलम में वैल्यू डालो कहीं पे। मतलब जैसे यहां पे मैं डाल रहा हूँ, और डी में डालूंगा तो नहीं आएगी, यहां डालूंगा तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार मैंने ये चेक करा दिया ना कि कॉलम जो है ये होना चाहिए, कॉलम जो है यही होना चाहिए, और रो जो है वो ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये कॉलम ये है और ये रो जब ये नहीं है तब ये इवेंट काम करता है, ठीक है जी। अब शीट टू पे भी मैंने एक चीज लगाई है, पर वहां पे जो मैंने क्या किया वो एक्टिव सेल के जरिए फाइंड किया था। अब वही वर्कशीट चेंज का ही मैंने यूज किया है शीट टू पे, पर यहां क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ये वाला ज्यादा आसान है उसके मुकाबले। इसमें मैंने क्या चेक कराया कि टारगेट, अब टारगेट क्या है, बाय वाइल टारगेट एज रेंज आ रहा है, तो वर्कशीट चेंज एक इवेंट है कि टारगेट में उसका सेल रेफरेंस लेके आ रहा है कि जो कि चेंज हुआ है, ठीक है जी। अब ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाया हुआ है मैंने वैसे ही, इसमें मतलब कि कोई गड़बड़ आती है तो कोड को वैसे ही रन कर देना है। तो इसमें मैंने क्या किया, इफ टारगेट डॉट कॉलम इज वन एंड टारगेट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ब्लैंक नहीं है, टारगेट वन है, अब जैसे मैं यहां पे कुछ नहीं लिखा था, यहां आ गया, और यहां अगर ब्लैंक नहीं है, टारगेट की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, और टारगेट की रो एक नहीं है, मतलब पहली वाली नहीं हो, तो वो क्या करे, सीधा टारगेट डॉट ऑफसेट जीरो, मतलब टारगेट जो है वो चेंज तो यही हुआ है, तो टारगेट के अंदर ले रहा है एक दो, तो यहां मैंने यहां पे एक दो ये एंटर करा रखा, डेट टाइम खाली टेक्स्ट, ठीक है जी। फॉर्मेट में लेने के लिए वही करना पड़ेगा। हाँ फॉर्मेट के लेने के लिए वही लगा दूंगा मैं अपना, ये मैं ये लेके आया था इसी को यहीं पे लगा दूंगा, यहाँ लगा दिया।
ठीक है सर। ओके इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, तो इसी तरह से इसमें बस काफी सारे इवेंट्स चलते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि प्रदीप एक, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब आपको नहीं, क्या करना है, हम कोई भी शीट ऐड करें और उसका नाम पूछे हमसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो क्या है, जब हम इसमें देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, क्या क्या होता रहता है। सिलेक्शन चेंज, मतलब जब भी सिलेक्शन चेंज हो, मैं क्या करता हूँ, वर्कबुक पे आता हूँ। वर्कबुक, अब वर्कबुक के इवेंट क्या होते हैं आपके? मान लीजिए न्यू शीट ऐड होती है आपकी वर्कबुक में, मैं सिंपल सा एक कोड लिखता हूँ, डिम आर एज स्ट्रिंग और आर इक्वल टू इनपुट में क्या करता हूँ, एंटर शीट नहीं, मतलब कि आप जैसे ही एंटर कोई नई शीट बनाए उसमें, वैसे ही क्या करेगा ये इनपुट बॉक्स में, एक आपका सामने दिखाएगा और बोलेगा शीट का नाम एंटर करें। शीट का नाम तो आपने ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू आर, बस। तो जैसे ही हम न्यू करेंगे, मैक्रो चल जाएगा न्यू शीट पे, यहाँ पे डाल देंगे रवि, यहाँ नाम हो गया चेंज रवि, ठीक है। सही है। तो ऐसे ही यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई हैं जो कि इसमें काम आती हैं। मान लीजिए आपको फाइल में क्या करना है, पासवर्ड डालना है। किसी फाइल में आपको खोलते समय पासवर्ड डालना है, मैं कहाँ डालूंगा इसको, वर्कबुक में। वर्कबुक में यहां से डाल दूंगा ओपन। अब ओपन में क्या डाल दूंगा कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, इसमें डाल दूंगा हीरो, ठीक है जी। या ऐसा करते हैं, इसको पहले चेक करा लेते हैं, पासवर्ड तो बाद की बात है, पासवर्ड तो वैसे भी लगा देंगे। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने अपनी एक कुछ ऐसी फाइल बना दी जिसे आप चाह रहे हैं कि 1 महीने में एक्सपायर कर दे और वहां पासवर्ड लग जाए, उस केस में क्या करेंगे, हमने एक इंटीजर लिया आर माइनस डेट, आर इक्वल टू डेट माइनस आर, डेट में से आर को माइनस करेंगे और फिर उसकी वैल्यू आर में स्टोर करा देंगे।
डेट में से आर को माइनस करेंगे, फिर उसकी वैल्यू आर में स्टोर करा देंगे। इफ आर ग्रेटर देन 30 देन मैसेज बॉक्स योर फाइल हैव बीन एक्सपायर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट, नंबर डाल देंगे जो भी डालना है। अब क्या पासवर्ड लगा दूंगा मैं, एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, मैंने कर दिया हीरो, ये पासवर्ड लग गया इसके अंदर, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब समझ गए कि इसमें आर में क्या करना है हमें, आर का ही कैलकुलेशन नहीं समझ, आर की आपकी वो डेट रहेगी। आर इसको कर देते हैं R1, ये हमारी डेट रहेगी। आर में जो डाल देते हैं हम, जैसे एक डेट डाल देते हैं 17 जून डाल देते हैं, आज की डेट डाल दी हमने। ये डेट डाल दी हमने, अब क्लियर है सर? ऑटोमेटिक 30 डेज काउंट करके नहीं ले सकता ये? नहीं, अब मैंने क्या किया ना, देखिए आर में मैंने एक डेट डाल दी कि इस डेट को मैंने अपना सॉफ्टवेयर रिलीज किया, दे दी उनको फाइल, और आर वन मैंने एज इंटीजर ले ली। अब आर वन में ये डेट का फॉर्मूला क्या करेगा, करंट डेट निकालेगा, और करंट डेट ज्यादा ही होगी, और आर में हमारी कौन सी डेट है, हमारी रिलीज डेट है, अगर वो 30 दिन से ज्यादा हो गई है तो एक्सपायर्ड कर दे, मतलब मैसेज दिखा कि योर फाइल हैव बीन एक्सपायर्ड, और ये पासवर्ड लगा के सेव करके बंद कर दे फाइल। उसमें पासवर्ड लग गया, जब आपको फोन करेगा आप उसे दे देंगे भाई ये पासवर्ड डाल दो, या खुद जाके डाल देंगे, तो इस तरह से। तो अभी देखिए इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं, बंद करते हैं, यहां से मैं टाइम चेंज कर देता हूँ इसका। टाइम 1 महीना आगे कर देता हूँ, मान लीजिए हम जुलाई में पहुंच गए, ओके, यहाँ जुलाई डाल दिया मैंने, ओके, ये चलाया नहीं, कंपाइल नहीं किया हमने, एंड इफ नहीं लगाया, ठीक है, स्टॉप करते हैं। तो मतलब क्या देखा हमने कि ओपन करते ही हमारा मैक्रो चलने लगा। आप देखते हैं जैसे ही ओपन है, हमने डेट चेंज कर दिए, योर फाइल हैव बीन एक्सपायर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट करके इसने बंद कर दी फाइल। क्या क्या हम ये जो मैक्रोज हम लोग बना रहे हैं, जो लाइक एवरी एवरी वर्कबुक के लिए मुझे चाहिए कि मैं जो भी वर्कबुक बनाता हूँ इट शुड बी सेव्ड इन द दिस मैनर, वो हो सकता है कि एक्सेल एप्लीकेशन में ही हम लोग कुछ कर सके? एवरी उसके अंदर हर एक जैसे कोई भी नई फाइल बनाई, तो जैसे आपके ये न्यू शीट वाला फंक्शन है, या जो मुझे फंक्शन हर एक फाइल में यूज करने हैं, ऐसे फंक्शन मुझे हर एक फाइल के साथ में मिले,
जो मैंने मतलब मैक्रो के थ्रू बनाया हुआ है ऐसा? बना सकते हैं आप। पहले इसको खोल लेता हूँ, पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया इसमें। हम किसमें काम कर रहे थे इसमें, तो एक मैंने एक छोटा सा डेमो दिखाया है। अब देखिए वर्कबुक में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपको ना, उसके लिए इसको एड इन में बनाना पड़ेगा। एड इन में बना के फिर वो मैक्रो के थ्रू आप चलवाएंगे, वो मतलब मैक्रो बनाएंगे इस चीज का कि ये एक आध सिंपल एग्जांपल लोगे उसके लिए प्लीज? उसके लिए हैवी एग्जांपल हो जाएगा सर, उसके लिए थोड़ा बाद में रेगुलर प्रोजेक्ट में करेंगे। अभी क्या है ना, आप इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैं एक मैक्रो बनाऊंगा इसी प्रोसीजर का, और मैक्रो को रन करवाना पड़ेगा एड इन के अंदर, एड इन के थ्रू फिर मेरे को उसको इवेंट्स में चलवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन इवेंट्स में। मतलब लंबा प्रोसीजर, ठीक है जी। तो ये चीज आपने देखी, कुछ इवेंट्स मैंने दिखाए। देखिए वर्कशीट के आपके अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हर तरह के होते हैं, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है पर थोड़ा बहुत हो जाता है। किस किस तरह के हैं आराम से समझ आने वाले हैं। एक्टिवेट का होता है कि जब आपका फाइल शीट एक्टिवेट होती है, बिफोर डबल क्लिक करने से पहले, बिफोर राइट क्लिक राइट करने, कैलकुलेट कैलकुलेट होने से पहले, तो ये कुछ इस तरह के आपके इवेंट्स हैं, आपके शीट्स के होते हैं, वर्कबुक के होते हैं, वर्कबुक की न्यू शीट हो गई, वर्कबुक एक्टिवेट होने पे क्या, ओपन होने पे क्या, तो ये आपके इवेंट्स होते हैं जो आपके काम आते हैं। इवेंट्स से मिलता जुलता ही आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट का। अब इसमें मैंने एक इवेंट को यूज किया हुआ है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जब ये सिलेक्ट कर रहा हूँ फाइल को, क्लिक कर रहा हूँ इधर, तो एक तो मेरी रो हाईलाइट हो जा रही है, दूसरा ये एरो का निशान वहां आ जा रहा है, तीसरा यहाँ पिक्चर चेंज हो जा रही है, चौथा यहाँ डिस्क्रिप्शन चेंज हो जा रही है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें सीक्रेट क्या है, मैंने ये बनाया कैसे। पहले अपने चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। इसमें पहले तो मैंने इसमें लगाया इफ टारगेट वर्कशीट सिलेक्शन चेंज में, क्योंकि यहां मैं सिलेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो जैसे ही सिलेक्शन चेंज हो वैसे ही क्या करे, पहले तो ये चेक कर ले कि टारगेट डॉट रो, रो जो है 5 के इक्वल टू बड़ी है, 5 और 10 के बीच में है कि नहीं, मतलब ये है ना 5 से लेकर 10 के बीच में है कि नहीं, ठीक है जी, क्योंकि इन्हीं पे ही चलना है, ऑप्शन यही है। एंड में ही लगा रखा है मैंने कि कॉलम जो है 2 से लेकर 4 तक है कि नहीं, मतलब इससे लेकर इस तक है कि नहीं, तो कॉलम मैंने चेक करा लिया, रो मैंने चेक करा लिया, मतलब मैंने जो है इतना एरिया चेक कराया कि इतना एरिया होना चाहिए। अब इस एरिया में आप कहीं भी सिलेक्शन करें, कहीं भी सिलेक्शन हो, तो क्या करना है, रेंज B5, रेंज B5 to D10, इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स 0। B5 to D10 मतलब इतना एरिया, पहले इनका कलर जो है 0 कर दो, सेट कर दिया मैंने 0 कर दिया, देन B रेंज B एंड टारगेट डॉट रो,
मतलब इसमें कंकेटिनेट कर दिया कि टारगेट की जो जहां से सिलेक्शन हटा है, सिलेक्शन हुआ है, उसकी रो नंबर इसके साथ कंकेटिनेट हो गई, यानी जो भी मैंने सिलेक्ट किया वो B5 D5 जो भी था, सिक्स किया तो सिक्स हो गया, इसी तरह D का भी ले गया, तो मतलब B से D तक की वो सिलेक्शन की ये ऐसे ले गया, ठीक है जी। अब जब ये ऐसे ले गया रेंज के अंदर, तो कलर इंडेक्स मैंने डाल दिया 40, इसका ये कलर डाल दिया, कलर इंडेक्स डाल दें या वैसे कलर डाल दें सब चलता है। रेंज A41 डॉट वैल्यू टारगेट डॉट रो, और A41 कहाँ है, सबसे नीचे A41, यानी ये इसकी जो वैल्यू है वो टारगेट की रो की होनी चाहिए। मतलब जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ, तो इसकी वैल्यू ये जो रो की है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए, 8 आ गई, 8 आ गई। A13 में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि A13 की जो वैल्यू है, A13 कौन सा है, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है इसको पहले मैंने मर्ज कर दिया, पर इसका जो एड्रेस रहा वो 1-13 रहा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो शीट 2 में ए रेंज में फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले, सेल्स टारगेट डॉट रो और सेकंड कॉलम, रो वही ले ले और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो ले ले, रो टारगेट डॉट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम तो यही चल रहा है और रो इसने ले ली, यानी कि इस वैल्यू को कहां सर्च कराया इसने, शीट 2 में इसके अंदर। तो इसमें सर्च कराया, जैसे ही फाइंड पे किसी चीज को सर्च कराया गया तो क्या हुआ, मान लीजिए ये अगर मैं इसमें जाके ऐसे सिलेक्ट करके फाइंड करूं, फाइंड करूं तो क्लिक उस पे गया। अब मैंने क्या किया, जब एक्टिव ये हो गई मेरी, तो इसके बेस पे ऑफसेट से ये वैल्यू वहां उठवा ली। अब ऑफसेट 0 करके, 0 मतलब उसी रो का 1 कॉलम 1 कॉलम आगे वाली वैल्यू जो है वो A13 में आ गई, ठीक है जी। अब यहां तक तो ठीक है कि जब मैंने अब समझ लिया कि अब जब मैंने यहां क्लिक किया तो इसके बेस पे वो वहां जाके फाइंड करके ये डिस्क्रिप्शन ला रहा है। तो अब ये बात रही कि हमने फोटो के लिए क्या किया, फोटो के लिए मैंने क्या किया, एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट किया, ब्लैंक चार्ट, कोई भी चार्ट इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट ये चार्ट, ब्लैंक चार्ट इंसर्ट किया। अब इसके जो बैकग्राउंड था मैंने वहां कलाकारी कर दी, और मैं चार्ट एरिया पिक्चर डाल सकते हैं कोई भी, तो ऐसे ही पिक्चर जो थी वो मैंने चूज कर ली, ये पिक्चर ही मैंने वहां दिखाई है। कैसे दिखाई है, एक्टिव चार्ट, एक्टिव शीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट चार्ट 1, इस चार्ट का नाम दे दिया पहले, तो यहाँ जैसे चार्ट का नाम आ रहा है ना, ये नाम वहां दे दिया, चार्ट का नाम दे दिया और उसे एक्टिवेट किया, मतलब ये एक्टिवेट हुआ, विदाउट एक्टिवेशन के तो काम चलता नहीं। फिर एक्टिव चार्ट डॉट चार्ट एरिया डॉट फॉर्मेट डॉट फिल यूजर पिक्चर सी, जहां पे मैंने सेव कर रखी थी इमेज उसका पाथ दे दिया, और उसके साथ क्या लगाया, कंकेटिनेट करा दिया, क्योंकि उसका नाम जो था ना मैंने जैसे रो के नाम पे ही रख दिया, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 ऐसे करके रखा है, टारगेट डॉट रो माइनस 4, तो टारगेट 5 से स्टार्ट है तो 4 करूंगा, तो जब 4 को सिलेक्ट करूंगा तो जब 4 उसमें से माइनस हो जाएगा, 5 को सिलेक्ट किया 4 उसमें से माइनस हो गया, तो मतलब इमेज 1 डॉट जेपीजे ऐसे करके आएगा, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने ये पूरा चार्ट बनाया,
ठीक है सर। या चलिए सर ठीक है जी, सर। क्या सर? तो तो ये आगे तो बताइए रहा, क्या करते हैं। कोड, ठीक है जी, कोड कैसे बनाया। अब इसमें एक और चीज है, जैसे यहाँ रेटिंग है, अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो यहाँ 5 की रेटिंग आ रही है प्रोग्रेस बार की तरह, बट मैं 5.5 डालता हूँ तो अगले में ये दूसरे तरह का साइन दिखाता है पॉइंट के केस में। अब ये क्या किया है मैंने, इसके लिए मैंने क्या किया है, तीन निशान लिए, फुल के लिए, पार्शियल के लिए और ब्लैंक के लिए, ठीक है जी। इनको सिंपली मैंने रिपीट करवाया है, REPT फंक्शन जो था मेरा वो रिपीट करवाया है बस। इसमें से पहले मैं क्या करूंगा, जैसे 5 है, राउंड कर दिया मैंने या इंट कर दिया, 5 ले लिया, तो वो 5 बॉक्सेस मैंने रिपीट करवा दिए, कौन से वाले, फुल वाले, ठीक है जी। अब राउंड कर दिया और राउंड वैल्यू में से मैंने पूरी वैल्यू माइनस कर दी, तो मेरे पास आ गई पॉइंट की वैल्यू। तो अगर ये वो जो वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, एक कंडीशन लगा दी कि अगर 0 से बड़ी है तो क्या करना है, तो मेरे को एक ये वाली दिखानी है, ठीक है जी। और मैं इसको राउंड डाउन कर देता हूं। अब मैं 5.5 है तो डाउन डाउन कर दिया, 6 आ गया, 10 में से उतनी माइनस कर दी, उतनी ब्लैंक आ जा रही है। तो ये फॉर्मूला उसके बारे में पूरा का पूरा, ठीक है जी, अपने तरीके से लगा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। इसका जो रेफरेंस था मैंने वो यहां से ले लिए, ये ब्लॉक्स, और ये जो ब्लॉक्स लाया मैं ये सिंबल में से ले आया, ये मैं इंसर्ट में गया और यहाँ सिंबल है, सिंबल में से यहां से मैं विंडिंग्स में से ले आया, यहां में से आपके दुनिया भर के साइन है, कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये एरो का साइन है। अब एरो वहां कैसे आ रही है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इफ रो, मतलब ये जो रो है, रो का फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ पे रो रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू A41। A41 क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वहां सिलेक्शन के, मतलब कि अगर वो सिलेक्शन के बराबर है तो क्या करना है, B41 दिखाना है, मतलब आपको ये दिखाना है, अदरवाइज ब्लैंक रखना है, ठीक है जी। ठीक है सर। या सर जी, या सर, तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है जी, एक बार देख लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है सर। पर ये फोटो के लिए उसके कोड में ना आपको वहां Image 1 Image 2 करके ना सेव करने पड़ेंगे एक लोकेशन पे, वो लोकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ जो ये लोकेशन है ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये जो है फाइल का नाम है जिसमें ये टारगेट रो से दिखा रहा है, रो -4 करके दिखा रहा है Image 1 के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी तब चलेगा आपको, ठीक है सर। तो आज के लिए विदा लेते हैं सर।